असलामु अलैकुम जी, यासर संधू ट्रैक्टर जून यूट्यूब चैनल पर। अज की वीडियो दो ट्रैक्टर के दरमियान मैसी 385 4x4 और एग्री मास्टर जया हाल ही के लैके आया है। आप दोनों हूँ दोनों टक्कर के ट्रैक्टर ने। मैसी 385 ऑलरेडी सेल हो रहा है। ये एग्री ट्रैक्टर ज एगरी मास्टर जोड़ा है, ये नवा ट्रैक्टर लेके आया है एगरी मास्टर के नाम तो। EF 804 मॉडल नंबर आ तो आप अच्छ दोनों मैं तुम्हें हर चीज़ जी कंपेयर करके दसागा कि दोनों के दरमियान कि चीज़ का फर्क आ। फैसला तुम खुद करना है कि कहड़ा बेस्ट है। नंबर वन, मैसी 385 की गल करिए तो यह आप 85 BHP ये इंजन की पावर है, जबकि अगर आप एग्री मास्टर की बात करिए तो यह आप 80 HP मिलती है। इसके अलावा अगर टॉर्क की बात करिए 385 की तो यह आप 1600 RPM के उपर 300 Nm टॉर्क। आप एग्री मास्टर की गल करिए 306 Nm दे रहा है। PTO हार्स पावर की गल करिए मैसी 385 4x4 जिहड़ा आ इह आपां नूं इहदे विच आपां नूं PTO मिलती है 70 HP की, 70 Hp की, जबकि अगर आप एग्री मास्टर की बात करिए तो इहदे विच आपां नूं 71.20 HP की मिलती है। इन्होंने बोर एंड स्टोक की गल करिए आपां नूं बोर जिहड़ा आ 101 mm और स्टोक जिहड़ा आ 127 mm मिलता है, जबकि इहदे मुकाबले च अगर आप एग्री मास्टर की बात करिए 108 बोर और 135 स्ट्रोक मिलता है। 385 के गेयर की आप गल करिए ये आप 8 फॉरवर्ड तो 2 रिवर्स मिल जाएंगे, जबकि एग्री मास्टर की गल करिए ये आप 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स मिलने। मैं गेयर की फोटो लगा रहा, पहले गेयर की फोटो देखो ये तुम की शो हो रहा है। हाई लो दे A B की ऑप्शन मिल रही है। यदा मतलब यह है कि अगर तुसा हाई गेयर के विच हो एक गेयर का कमाल दा है, इंजन के नाल नाल गेयर भी कमाल दा है। इहदे विच इह तुहानू होएगा कि तुसा अगर लो दे विच आ, अगर लो गेयर के विच गेयर लगाना है तो उहदे विच तुहानू दो ऑप्शन मिलणगे, एक बिल्कुल लो मिलेगा, एक थोड़ा जिहा उस तो तेज़ होगा, लेकिन लो तुसी लो रेंज रहोगे। अगर तुसी हाई रेंज के विच जाओगे मतलब हाई के उपर गेयर लगा देने उहदे विच भी दो ऑप्शन मिलणगे A और B। अगर तुम लो लगाना चाहते हैं तो बी ते लगाओगे, अगर ज्यादा तेज यानी फुल हाई गेयर लगाना चाहते हैं तो तुसा ए ते चले जाओगे। इस हिसाब न यह 16 फॉरवर्ड गेयर और 4 रिवर्स और दूसरे लीवर से तुम रिवर्स भी नाल ही मिल जाता, यानी जेड़े भी जेड़ा भी गेयर इधर हाई लो दे विच A B सिलेक्ट किया होगा उसी उधरों रिवर्स लगा दोगे उस गेयर से ट्रैक्टर बैक चला जाएगा। यह बहुत जबरदस्त अपना जी यदा खूबी है यह एग्री मास्टर की और यू बिल्कुल अलग कर दी है, जबकि 385 का उही पुराना 1971 का गेयर बॉक्स है। इस ये मैं वेल डन कहना जी, एग्री मास्टर का गेयर बॉक्स बहुत बेस्ट है जी और बहुत कारामद आ, बड़ा फायदा दिता है। ये डीजल की बहुत बचत करता है और ताकत जिथे ताकत चाहिए उत्थे ताकत भी बढ़ा है। अच्छा जी, PTO की गल करिए 385 की तो यदि PTO आप 540 चक्कर मिलते हैं 1800 RPM से, जबकि अगर आप एग्री मास्टर की गल करिए ये आप दो गेयर PTO के मिलते हैं 540 और 1000 ये मल्टी PTO मिल जाती है। आप 1000 चक्कर चलाना चाहिए तो 1000 चक्कर चला सकते हैं, 540 चलाइए चलाना चाहिए तो 540 चला सकते हैं, दो ऑप्शन है तुहाडे कोल। 385 की लिफ्ट कपैसिटी की गल करिए आप लिफ्ट कपैसिटी मिलती है मैक्सीम 2100 तक, यानी मैक्सीम 2150 तक मैक्सीम ले जा सकते, जबकि अगर तुसा एग्री मास्टर की गल करो तो ये मैक्सीम 2800 kg तक की लिफ्ट कपैसिटी आपको मिलती है, यानी ये निस्बत ज़्यादा पावरफुल है लिफ्ट के। फ्रंट टायर की गल करिए 385 का आपको 12x4 का टायर मिल जाता, जबकि एगरी का एगरी मास्टर का 9x24 का मिल जाता है। ये टायर एग्री मास्टर का जोड़ा है वो छोटा है थोड़ा जहा, लेकिन कड़ा यानी ऊंचाई उन्नी होएगी बट चुड़ाई कम होएगी, टायर की चुड़ाई जी ब्रीक होएगा टायर थोड़ा जहा। बैक टायर की गल करिए 385 के आप 18 का टायर मिल रहा है 18-15-30 का, जबकि एग्री मास्टर 16-9-30 का टायर आ रहा जिहड़ा कि मैसी 375 नूं टायर दे विच एग्री मास्टर का टायर छोटा। लेंथ की गल करिए 385 की लेंथ जी है 3810 है,
जबकि एग्री मास्टर की लेंथ जी वो 4085 है, लेंथ भी एग्री मास्टर की 385 नालों ज्यादा। अच्छा जी वैट की गल करिए 1871 जी है एम एम वो 385 की आपको मिलेगी, जबकि एग्री मास्टर की 1929 मिलेगी। व्हील बैस की गल करिए 385 की आप 2350 मिलेगी, जबकि एग्री मास्टर की आप नस्बत 2568 मिलेगी। अच्छा अगर फ्यूल टैंक की आप गल करिए फ्यूल डीजल टैंक की आप गल करिए 385 का 108 लीटर का आपको मिल रहा, जबकि एग्री मास्टर चाहू 78 का मिल रहा, 78 लीटर का डीजल टैंक मिल रहा। और मैं दसदा जावा तुहानू कि जिहड़ा पहले इन्हां को डीजल टैंक सीगा 804 जिहड़ा इन्होंने पहले दिता सी उहदे विच इन्होंने एग्री मास्टर के नाम तो नहीं सी YTO EF 804 सीगा वो उहदे विच 80 लीटर का टैंक सी, इहदे अंदर उन्होंने 78 लीटर का कर दिता क्योंकि पहले वाला जिहड़ा टैंक सी इन्हां दा 804 दा वो थल्ले सी, हुण वाला टैंक जिहड़ा इह इंजन दे उपर। अल क्लच प्लेट की दोवे की गल करिए 385 भी 12 की क्लच प्लेट यूज हो रही है और एग्री मास्टर च भी 12 की हो रही है, यह भी डिस्क ब्रेक आ ऑयल के डिस्कों ने भी ऑयल के डिस्कों ने यह भी डिस्क ब्रेक है। इस अलावा इंजन की सीसी की गल करिए 85 का इंजन 3900 सीसी है, जबकि 38 मुकाबले एग्री मास्टर का 5000 सीसी का इंजन मिलता है, बड़ा इंजन है। मैं समझता कि दोनों का मुकाबला बड़ा जबरदस्त बन रहा जी मार्केट के अंदर। एग्री मास्टर फिलहाल हर जिहड़ा आ ओ चीज़ दे विच 385 नालों अगे है। सो इस करके अगर कीमत की गल करिए तो दोनों की सेम है, 385 भी लगभग 23 लाख रुपए का है, लगभग मैं तां कह रहा तकरीबन क्योंकि इन्होंने कीमत थोड़े दिन वास्ते डाउन कीतियां ने दोबारा फिर उपर जा सकदियां, ते और एग्री मास्टर की कीमत भी 23 लाख रुपया है। तो जिदा कि दोस्त डिमांड कर रहे लोग कि कुछ तो चेंजिंग हो, डीजल पंप की गल कर लीए तो 385 दे विच जिहड़ा आ वो आपू हले भी अपना डेल्फी पंप ही मिल रहा है जिहड़ा कि यह 40-50 साल पहले दे रहे थे, जबकि एग्री मास्टर के अंदर इनलैन पंप यूज़ होया है जिहड़ा मेंटेनेंस फ्री है, अगर मेंटेनेंस की जरूरत पैंदी भी है तो वह हर जगह तो मेंटेनेंस उहदी हो जाती है। इनलैन पंप या जिन्हों पलंजरी पंप आप कहने आप सारे समझते हैं कि वह ज़्यादा जिहड़ा आ वह एडवांस और ताकत रखता है डेल्फी की निस्बत, और यदि मेंटेनेंस भी सस्ती होंगी है, डेल्फी की मेंटेनेंस भी महंगी होंगी है। तो इस तो अलावा मैं दसदा जावा तुहानू कि चीज़ा आपां नूं एग्री मास्टर दे अंदर अजाफी मिलनगियां, जिहदे विच कनोपी शामिल है, इहदे विच अजाफी है जिहड़ी 385 च आपां नूं नहीं मिल रही। बैक टायरां दे उपर वेट ग्रिप वास्ते मिलते हैं जिहदे नाल डीजल की खपत कम हुंदी आ, वह आपां नूं एग्री मास्टर दे रहा है 385 च नहीं मिल रहे। फ्रंट टायरां दे उपर वेट जिहड़े ने वह अगले टायरां की ग्रिप बढ़ाउण वास्ते और ट्रैक्टर लिफ्ट ना होवे वह आपां नूं एग्री मास्टर दे रहा है 385 नहीं दे रहा। हिच जी वह भी अपन एग्री मास्टर दे रहा है 385 नहीं दे रहा, ठीक है जी। ये चीज़ा वह ने जड़िया बारों बार अजाफी चीज़ा फिलहाल दी जो नज़र च आ रही ट्रैक्टर देख के वह अजाफी दे रहा एग्री मास्टर हो गई है। तो हम फैसला दोस्तों का कि दोस्तों ने कि चीज़ लैनी है, मैं तो सही पुछो कि मेरा तो जी है वह चॉइस है वह एग्री मास्टर बेस्ट है, मेरी समझ ये कहती है। बट ये भी दो चीज़ा ने, वह दो चीज़ा कि नंबर वन कि अगर YTO ग्रुप एग्री मास्टर के नाम तो ट्रैक्टर लैके आ रहा है तो इनू स्टिल जिहड़ा और मार्केट के अंदर ऑन रखना पड़ेगा इनू लगातार, यह नहीं होएगा कि 250 पीस सेल करके दोबारा मुड़ के लोगों के गाटे फिट हो जाए। फिलहाल वो ग्रुप जिहड़ा वो बहुत मतलब इस चीज़ को लैके वो मुतहरक है, वह कहते हैं असी लैके आना ही आना और लगातार इनू चलावांगे। फिलहाल तकरीबन उन्होंने इन्हें हुण तक की अगर मुद्दत देखिए तो इस ग्रुप में तकरीबन एक साल मुकन वाला आ अपने ट्रैक्टर सेल करदे हो YTO के नाम तो ट्रैक्टर इन्होंने लगभग तकरीबन 100 तो उपर ट्रैक्टर इन्होंने सेल कर लिया, जिद मुख्तलिफ HP ने 60 हास पावर ने 80 हास पावर ने हॉलिंग मास्टर के नाम तो ट्रैक्टर से जिन्हों सारियां वीडियो ट्रैक्टर से अपना मेरे यूट्यूब चैनल के उत्ते मौजूद ने, तुसां सारियां वीडियो देखिया हुई ऑलरेडी। सो इस करके मैं होप करदा हाँ कि यह ट्रैक्टर लगातार इनू जारी रखन ताकि खरीदने वाले कॉन्फिडेंस नाल इनू चलाउन और स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी जी है वह फिल ये ना हो लिमिटेड हो इना दे शोरूमा की हद तिकर। अगर मैं रिमजार खां या मुल्तान बैठा या सॉरी मुल्तान की डिवीज़न कितने होर जगह पर बैठा तो वास्ते मैं मुल्तान जाना पवे या दीपालपुर जाना पवे मैनू स्पेयर पार्ट मेरे करीब करीब मिले। तो बाकी नवे ट्रैक्टर दोस्तों दसदा जावा कि स्पेयर पार्ट इतनी जल्दी जरूरत नहीं होंगी,
ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਨਿੰਗ ਐਟਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਨਿੰਗ ਐਟਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ, ਕਲੱਚ ਪਲੇਟ, ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ, ਅਦਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਜੀ। Video lag.